हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधुरी पश्चिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड टुडेज आवर टॉपिक इज इपॉक्साइड। आज हम डिस्कस करेंगे कि इपॉक्साइड होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इपॉक्साइड होता क्या है। इपॉक्साइड आर साइक्लिक ईथर, ये एक प्रकार के चक्रीय ईथर होते हैं। दिस साइकिल द ईथरल ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ थ्री मेंबर साइकिल। ये जो इपॉक्साइड होता है, तीन मेंबर की एक साइकिल या तीन मेंबर का एक रिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन एक उसका पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मूला लिखा गया है CCO। यहाँ पे कार्बन के दो एटम हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, क्लियर है, जो कि एक साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि जिसे हम इपॉक्साइड कहते हैं। अब देखते हैं इपॉक्साइड का नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है। इपॉक्साइड का नॉमनक्लेचर करने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो सफिक वर्ड यूज़ होगा वो होगा एपॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल है CH2CH2O, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, या फिर हम इसे पहला कार्बन या दूसरा कार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 मतलब क्या हुआ, एथेन मीथेन, मीथेन एथेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इथिलीन ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो क्या होगा ये इथिलीन ऑक्साइड, क्लियर है। या फिर हम इसे 1 2 एपॉक्सी इथेन भी कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है CH3CH CH2O। अब यहाँ पे देखिए, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो इस चूंकि तीन कार्बन है तो प्रोपेन हुआ, तो इसे कहेंगे प्रोपेन प्रोपिलीन ऑक्साइड, या फिर इसे हम 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, नॉमनक्लेचर करते हैं। अब हम देखते हैं एथिलीन ऑक्साइड या फिर 1 2 एपॉक्सी इथेन, इथिलीन ऑक्साइड बनाया कैसे जाता है। तो इसकी मेथड देखते हैं। पहली मेथड में देखिए, ये इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन के दो मॉलिक्यूल हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, तभी हमें क्या देते हैं, इपॉक्साइड देते हैं, एथिलीन इपॉक्साइड। दूसरा, जब सिंगल एथिलीन को पैरासिटिक एसिड CH3COOOH के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, एथिलीन ऑक्साइड मिलता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले कि ये जो इथिलीन ऑक्साइड होते हैं वो टॉक्सिक इन्फ्लेमेबल गैस होते हैं, एक ज्वलनशील गैस होती है जो कि जहरीली होती है। दूसरा देखिए, ये हमारा इथिलीन ऑक्साइड है, जब हम इसे एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब होता क्या है, ये हमारा रिंग ब्रेक हो जाता है। ये जो हमारा साइक्लिक इथरल होता है, जो नॉर्मल इथरल होते हैं, ये साइक्लिक इथर जो होते हैं वो नॉर्मल इथर की तरह स्ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है। इनमें भी मतलब स्ट्रेंथ कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जिसके कारण इनके पास इस रिंग को ओपन करने की कैपेसिटी होती है। जब ये रिंग को ओपन करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के साथ एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, यहाँ पे ये एथिलीन ऑक्साइड है जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है जिसके कारण ये रिंग ओपन हो जाती है, और ओपन होने के बाद ये दो ऑक्सीजन है इस एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बाइंड होकर हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, CH2CH2OH प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इफ स्ट्रेंड कॉन्फ़िगरेशन फाउंड इन साइकिल सो दे ट्राई टू रिंग ब्रेक ओपन ब्रेक या और ओपन सो द ऑक्सीजन आर कम्बाइंड विथ एक्टिव हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोक्सी कंपाउंड, क्लियर है। अब ये जो हमारा एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है वो या तो वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एमीन हो सकता है, या हैलोजन भी हो सकते हैं। ये हमारा इथिलीन ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके इथिलीन ग्लाइकोल बनाता है CH2CH2OH। दूसरा, जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तब ये 2-methoxy ethanol बनाता है CH2OH CH2O CH3।
एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यह 2-amino ethanol बनाता है CH2OH CH2NH2, और हैलाइड के साथ रिएक्ट करके यह 2-bromo ethanol बनाता है CH2OH CH2Br। तो इस तरीके से जो हमारे एक्टिवेटेड हाइड्रोजन्स है वो वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल, एमिनो या हैलोजन्स हो सकते हैं। अब दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज आता है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जब ये इथिलीन ऑक्साइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgI के साथ रिएक्ट करता है तब यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है CH3CH2CH2ONGI। जब इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है, अम्लीकरण किया जाता है, तब ये जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या मिलता है, 1-propanol मिलता है CH3CH2CH2OH। सेकेंड थिंग, जब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये हमारा मैथिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, जिसका एसिडिफिकेशन किए जाने पर हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट सेपरेट आउट हो जाता है और हमें हमारा 1-butanol प्राप्त होता है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ कार्बोलिथियम कंपाउंड। जब एथिलीन ऑक्साइड एल्किल लिथियम या कार्बोलिथियम, R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या करता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है CH2R CH2OLI। जन जिसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तब हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। अब इसके यूसेज देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ डेक्रॉन बनाने में, एंड द फॉर्मेशन ऑफ वर्निशेस एंड इनेमल्स के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड के अंदर का हमारा मेन टॉपिक आता है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर क्या होते हैं, साइक्लिक क्राउन ईथर एक प्रकार के साइक्लिक ईथर होते हैं, जिसे हम पॉली ईथर भी कह सकते हैं, विच है फोर और मोर एथरल ग्रुप विथ 12 or more कार्बन एटम आर कॉल्ड क्राउन ईथर। ठीक है, क्राउन ईथर ऐसे साइक्लिक ईथर होते हैं जिसमें 4 or 4 ईथर समूह के साथ 12 या उससे अधिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसे हम क्राउन ईथर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन ईथर के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये है 15 crown 5 और ये 18 crown 6। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि यह क्राउन के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी कारण इसे हम क्राउन ईथर कहते हैं। इस क्राउन ईथर को आप ध्यान से देखिए, इस वाले क्राउन ईथर के एग्जांपल में इसका नाम है 15 crown 5। 15 जो है वो नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है, और 5 जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को डिनोट करता है। अब इस क्राउन ईथर में 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम उसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब टोटल 15 कार्बन है, जिसमें से 5 क्या है हमारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये 15 crown 5। अब यहाँ पे देखिए 18 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 18 कार्बन काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 कार्बन है और हमारे 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्राउन ईथर के स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे एक क्राउन ईथर का फॉर्मूला दिया गया है, देखिए। अब इस क्राउन ईथर को इस रिएक्शन को देखने के पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। अब वो ये है कि क्राउन ईथर में धातु आयनों को एब्जॉर्ब करने की या समाहित करने की एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल आयन्स को। ठीक है, क्राउन ईथर क्या करते हैं, मेटल आयन को अपने अंदर जकड़ के रख लेते हैं। तो जो हमारे जो क्राउन ईथर होते हैं वो किसी भी मेटल आयन को जकड़ के रखने का काम करते हैं। मतलब इन क्राउन ईथर का जो सेंटर वाला जो खोखला पार्ट होता है, सेंटर वाला जो फ्री पार्ट है, फ्री स्पेस है, उस स्पेस में कोई भी मेटल आयन एंटर करता है, जिसके कारण
जिसके कारण क्राउन ईथर क्या करता है, उस मेटल आयन को जकड़ के रखने का काम करता है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक क्राउन ईथर है जिसका नाम है 18 क्राउन 6, ठीक है, जो कि पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और जिसमें पोटेशियम जो है वो सेंटर में इंटर कर जाता है और क्राउन ईथर क्या करता है, उसे जकड़ के रख लेता है। जकड़ के रखने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उस मेटल आयन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्राउन ईथर है वो एज अ होस्ट का काम करता है और जो हमारा मेटल आयन है वो गेस्ट का काम करता है। मीन्स जब कोई गेस्ट किसी के घर जाता है तो वह उसका उसका जब कोई गेस्ट किसी होस्ट के अंदर किसी जब कोई गेस्ट किसी होस्ट के यहाँ जाता है तो यहाँ पे गेस्ट कौन है, पोटेशियम आयन है, जो कि गेस्ट मींस जो कि हमारा होस्ट जो है क्राउन ईथर है उसके फ्री स्पेस में जाता है और वहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण क्राउन ईथर उस मेटल आयन को क्या करता है, जकड़ के रख लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्राउन ईथर्स का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा क्राउन ईथर। थैंक यू।